नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। दिल्ली में प्रदूषण ने इस बार 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। दरअसल दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने के साथ ही हवा भी जहरीली हो जाती है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे ही दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जाती है। लेकिन इस साल तो दिल्ली में त्योहार से पहले ही प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। दिल्ली में इस साल 2020 के बाद से अक्टूबर के महीने में सबसे खराब हवा देखी गई है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI का लेवल 400 के आसपास दर्ज किया गया है। ग्रैप स्टेज 2 का प्रतिबंध लागू होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं देखा जा रहा। इस साल अक्टूबर के महीने में सिर्फ एक दिन बारिश हुई है जिससे प्रदूषण धुलने में भी दिक्कत हुई है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी खराब हवा की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर साल ही प्रदूषण पर वार करने के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम करती है, लेकिन दिल्ली की दम घोटू हवा के सामने सब कुछ नाकाफी साबित होता दिख रहा है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर के लिए अक्टूबर के महीने में कम बारिश को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल बारिश के बाद हवा में घुला प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन इस साल अक्टूबर में बारिश ना के बराबर हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 210 दर्ज किया गया है। यही AQI लेवल अक्टूबर 2022 में दर्ज आंकड़ों के आसपास ही था, लेकिन अक्टूबर 2021 में दर्ज 173 AQI से काफी खराब था। इस बिगड़ती वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक बारिश की कमी भी रही है। अक्टूबर 2023 में दिल्ली में केवल एक दिन बारिश हुई है, इसकी वजह से इस साल सिर्फ 5.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पिछले साल अक्टूबर 2022 में 6 दिन की बरसात में 129 मिलीमीटर बारिश देखी गई। तो वहीं अक्टूबर 2021 की बात करें तो 7 दिनों की बारिश में 123 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये भी कहा कि अक्टूबर 2023 के दौरान दिल्ली में औसत हवा की गति अपेक्षाकृत कम थी। इसके साथ ही पूरे महीने बिल्कुल भी स्थिर मौसम की स्थिति देखी गई। ऐसे में हवा की गति धीमी होने की वजह से प्रदूषकों के फैलाव को रोका और वायु गुणवत्ता की समस्या को इसने बढ़ा दिया है। CPCB के आंकड़ों से हैरान कर देने वाली बात भी सामने आई है, वो ये कि इस साल पूरे अक्टूबर में दिल्ली में एक भी दिन अच्छी वायु गुणवत्ता के साथ दर्ज नहीं किया गया है। ये 2022 के बिल्कुल विपरीत है जब 2 दिन ऐसे थे और 2021 जब 1 दिन अच्छी वायु गुणवत्ता वाला दिन दर्ज किया गया। CQM ने बताया है कि दिल्ली में 2023 में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 172 का AQI दर्ज किया गया है, जिससे ये 6 सालों में इसी अवधि के लिए दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन बन गया। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी से प्रभावित साल 2020 के दौरान इस अवधि के दौरान शहर में वायु की गुणवत्ता बेहतर थी। ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, और निकलना ही पड़ जाए तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि प्रदूषण के खतरे से आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। तो इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।